नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अजय वेलकम करता हूं 7 मिनट के इस बेहतरीन चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 7 मिनट में ऐसा कुछ खास जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिएगा गाइज, सबसे पहले तो अनअकैडमी पे कोई भी फ्री क्लास देखने के लिए, अब कोई भी जो आप जो पेड वाली क्लास फ्री देखना चाहते हो उसके लिए ये वाला पासवर्ड यूज करोगे। आप कोई भी अनअकैडमी की क्लास देखना चाहते हो तो ये वाला पासवर्ड है आपके पास में, तो ये वाला पासवर्ड यूज करोगे AJY10, ठीक है ना। कोई भी फ्री क्लास अगर देखना चाहते हो, कोई भी कोर्स फ्री अगर करना चाहते हो तो आप देख लेना मेरे भाई, और कोई भी अगर पेड कोर्स लेना चाहते हो तो यही कोड है भाई। अकेडमी पे फ्री क्लास लेने के लिए सबसे पहले आप मुझे फॉलो कर लेना। यहाँ पे फॉलो करने के बाद में देखो स्पेशल क्लास पे जाना, स्पेशल क्लास के पास जाने के बाद में सी ओल पे जाना और यहां से आप ओपन करोगे तो ये लॉक होगी लॉक, और इसका जो पासवर्ड होगा वो होगा AJY10। तो फ्री क्लास देखने के लिए आप यहां पे चले जाना भाई। एज के ट्रिकी सवाल, उस यहां पे जो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स में आते हैं उसके जो ट्रिकी सवाल है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, आपके पास में विक्की और सुम्मी की आयु का अनुपात कितना, 2:3। देखो आपके पास में एक विक्की है और एक सुम्मी है, इनका जो एज का रेशियो वो कितना, 2:3। 12 वर्ष के बाद में, कितने साल के बाद में, 12 वर्ष के बाद में, ये 12 वर्ष के बाद में इन दोनों की आयु का अनुपात हो जाता है 11:15। अब ध्यान रहे 2:3 से 11:15 कितने सालों में हुआ, आप बोलोगे सर 12 सालों में, तो ये 12 आप लिख दोगे यहां पे और ये 12 लिख दोगे यहां पे। अब आप क्या करोगे, इसको इससे गुणा करो तो 11 3 33, और इसको इससे गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 15 2 30। इसको इससे गुणा करो 15 को 12 से तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 180। और इसको इससे गुणा करो आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में 132। अब ध्यान रहे कि आपके पास में इधर डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस देख लीजिए 3 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस देख लीजिए कितना आ जाएगा, 180 और 32 का, 132 का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ जाएगा आपके पास में, क्या 48 आ जाएगा क्या, आप मुझे बता दीजिए 48 आ जाएगा क्या। तो 3 यूनिट का वैल्यू 48 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 12 आ जाएगा तो 12 2 24 और 12 3 36। पूछा क्या है, पूछा क्या आपके पास में, पूछा सुम्मी की वर्तमान आयु क्या होगी, 16 3 48 होता है ना, एक यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 48 होता है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 16 2 32 और यहां पे 16 3 48। 48 ईयर विल बी राइट आंसर, मतलब आपको सुम्मी की एज पूछिए तो 40 ईयर हो जाएगी। तो एक तरीका तो आपका ये, दूसरा तरीका आप यहां पे कैसे एक्सेस करोगे देखना, सेकंड वे में आपको कुछ नहीं करना, एक तरफ लिखना है विक्की, एक तरफ लिखना सुमी, यहां पे लिख दीजिए 2:3। कितने साल के बाद में हो, आप बोलोगे सर 12 साल के बाद में हो, कितना अनुपात हुआ, 11:15। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे डिफरेंस कितना है, यहां पे 1 का डिफरेंस है और यहां पे कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो मैंने क्या कर दिया, जो इधर अंतर देखा वो इससे गुणा कर दिया और जो इधर अंतर देखा वो इधर से गुणा कर दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको इससे गुणा किया तो विक्की और सुम्मी की एज कितनी हो जाएगी, विक्की की एज हो जाएगी 8 और यहां पे हो जाएगी 12, इधर कितना हो जाएगा आपके पास में, 11 1 11 और ये कितना हो जाएगा, 15 1 15। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, यहां पे जो नंबर 8 था वो कितना हो गया, 11, तो कितना बड़ा प्लस का 3, यहां पे जो 12 नंबर था वो 15 हो गया, कितना बड़ा प्लस का 3। इसका मतलब प्लस 3 बढ़ रहा है, उसका मतलब कितने सालों में बढ़ रहा, 12 सालों में, तो प्लस 3 का वैल्यू 12 हो गया तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 4। अगर 1 का वैल्यू 4 हो गया, सही लिखा क्या अपन ने, 1 का वैल्यू 4 हो गया तो 8 का वैल्यू कितना हो गया, 8 4 32 और 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 4 48। तो सुम्मी की एज 48 ईयर होगा। कोई भी एक और प्रश्न ले लेते हैं अपन, चलो आगे देख लो, ये वाला देख लो।
10 वर्ष पूर्व है। देखो कितने साल पहले, 10 साल पहले की बात बोल रहा है ये। ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है? 3:5। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। ठीक है, वर्तमान में ही होगी। अब जरा आप मुझे बता दीजिए, अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो, या फिर आप इधर डिफरेंस देखो, आप बोलोगे सर 2 का, इधर डिफरेंस देखो कितने का, 1 का। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, ये वाला अंतर इधर गुणा कर दूंगा और ये वाले अंतर को मैं क्या कर दूंगा, इधर गुणा कर दूंगा। तो इधर कितना हो गया, 3 × 3, और ये कितना हो गया आपके पास में, 5 × 5। इधर कितना हो गया, देखो ए और बी है, इधर देखो 2 × 4, और ये कितना हो गया आपके पास में, 3 × 6। क्लियर है ना भाई? देखो ए और बी की 10 वर्ष पूर्व की अनुपात 3:5 है, 3:5 लिख दिया 2 को। अब आप मुझे बता दीजिए, ये 3 से 4 हुआ और ये 5 से 6 हुआ, कितना बड़ा? आप बोलोगे सर प्लस का 1, और इधर भी कितना बड़ा, प्लस का 1। मतलब एक यूनिट कब बढ़ती है, जब 10 वर्ष कंप्लीट होते हैं। तो 1 का मतलब 10 हो गया, तो 3 का मतलब कितना हो गया, 30, और 5 का मतलब कितना हो गया, 50। बट आपको पूछा क्या, उनकी ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, ये 30 साल कब की है, 10 साल पहले की है। तो यहां पे वर्तमान में आके कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 10 साल जुड़ जाएगा ना, और यहां पे कितना हो जाएगा, 10 वर्ष और जुड़ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 60। तो गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है? किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दीजिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। तो ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए, फटाफट से 3 नंबर का क्वेश्चन का आप कमेंट में सेशन में आंसर दे देना, 4 नंबर क्वेश्चन का भी आप आंसर दोगे कमेंट सेशन में, होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर जरूर दोगे मेरे प्यारे साथियों। दूसरा, इसका भी आप कमेंट सेशन में आंसर दोगे, ये भी आपका होमवर्क है। क्लियर? यहां पे हिंदी में थोड़ा सा क्या लिख देना, यहां 3 गुना लिख देना। ओके गाइस, 7 मिनट चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, नोटिफाई और अनअकैडमी पे कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये वाला रेफरल कोड लगा दीजिएगा, ठीक है ना? तो आपको ये वाला 10% का ऑफ दिला देगा, चाहे एसएससी ले लो, बैंकिंग ले लो, यूपीएससी ले लो। अगर अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो नहीं किया और मेरी फ्री क्लास आपको देखनी है, मतलब जो पेड क्लास है उनको फ्री में आपको देखना है, तो मैं आपको एक पासवर्ड दे रहा हूं। ये वाला आपका पासवर्ड है, AJYOTEN, ये वाला एक पासवर्ड है, तो आप वो फ्री देख सकते हो। बस स्पेशल क्लास पे जाना आप लोगों को, और सी ऑल पे क्लिक करके ये वाला पासवर्ड लगाना, तो सारी क्लासें ये अनलॉक हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना प्यारे साथियों? कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ओके गाइस, तो अभी मैं चलता हूँ, विदा लेता हूँ। थैंक यू गाइस, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।